भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव की गाड़ियों पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, यह हमला उसका एक उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला बताता है कि बंगाल में प्रजातंत्र पर एक तांडव नृत्य चल रहा है। ममता की सरकार ने गुंडा राज मचा रखा है, जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। किसान कानून को लेकर सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों के हित में योजनाएं लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की सरकार है, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी या बनाई जा रही हैं, वे सभी किसानों के हित में हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास कर रही है। किसान बिल पर हमारे अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जल्द ही केंद्र सरकार इसका समाधान निकालेगी। ये बहुत निंदनीय है और जो ममता बनर्जी जी की राज में एक तरीके का गुंडा राज चल रहा है बंगाल में, उसका जो उदाहरण दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर वार किया गया, जितनी निंदा हम करेंगे वो कम है। और यही प्रजातंत्र का तांडव का नृत्य, जो प्रजातंत्र के ऊपर एक तांडव नृत्य रचा जा रहा है बंगाल में, और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता, जो एक ऐतिहासिक जनता है, ऐसी एक सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और प्रजातांत्रिक सरकार वहां स्थापित करेगी। और जितना भी हम निंदा करेंगे वो कम होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।